दिनारा में सगे भाइयों ने जेई मेंस और नीट परीक्षा में पाई सफलता। शिक्षकों ने दी बधाई, परिवार के सदस्यों ने जताई खुशी। दिनारा के एक साधारण व्यवसायी के दो पुत्रों सुनील कुमार गुप्ता और मंजीत कुमार गुप्ता ने जेई मेंस और नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। दिनारा निवासी अनाज व्यापारी सूर्यदेव प्रसाद और फुलवंता देवी के दोनों पुत्रों ने नीट परीक्षा और जेई मेंस परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। नीट परीक्षा में सफल छात्र सुनील कुमार गुप्ता ने ऑल इंडिया में 17,509 रैंक हासिल किया है। दोनों सगे भाइयों की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं दिनारा के शिक्षकों ने दोनों सगे भाइयों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नीट में सफल छात्र मंजीत कुमार गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों और गुरुजनों को दिया। वहीं दोनों सगे भाइयों की इस सफलता पर कई शिक्षक उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। बधाई देने वालों में यूकेएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के संचालक उपेंद्र सर, ऑक्सफोर्ड स्कूल कोचस के संचालक सत्येंद्र कुमार सिंह, उषा हॉस्पिटल दिनारा के संचालक डॉक्टर राकेश, बलदेव उच्च विद्यालय के शिक्षक राजनाथ सिंह, बलदेव संस्कृत उच्च विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र कुमार पांडे मौजूद रहे। वहीं परिवार के सदस्य गोपाल जी, अजीत कुमार गुप्ता सहित कई लोगों ने दोनों भाइयों की सफलता पर खुशी जताई। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता, मैंने नीट 2022 दिया था। इसमें मेरे 17,509 ऑल इंडिया रैंक है। मेरी कैटेगरी रैंक 7,785 है। और इसमें मेरी सफलता में मेरे फैमिली, मेरे इवन सारे वो लोग जो मेरी सफलता में योगदान दिए, उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी इस प्राइमरी शिक्षा में हमारे हाई स्कूल के टीचर्स, कुछ ये बाकी सारे ये यहाँ के ट्यूशन वाले शिक्षकों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। टाइम पे प्राइमरी शिक्षा के टाइम समय हमारे कोचिंग संस्थान यूकेएस इंस्टीट्यूट और बाकी हमारे स्कूल चाचा नेहरू के वहाँ के शिक्षकों ने बहुत योगदान दिया। फिर हाई स्कूल से मैंने स्कूलिंग किया और ट्वेल्थ भी वहीं से किया। वहाँ के भी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसके बाद मैंने नीट की तैयारी करा और उसमें मैंने सफलता की। और नीट के लिए मेरे कोटा के शिक्षक और वहाँ के शिक्षकों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम मोहित कुमार, मेरे पास नाम श्री सूर्यदेव प्रसाद और मतलब मैं जेई मेन में सफलता प्राप्त किया हूँ। इसमें हाई स्कूल के टीचर एंड यूकेएस इंस्टीट्यूट के मेरे उपेंद्र सर जो कि काफ़ी योगदान दिए मुझे, मतलब शुरू से इंग्लिश पढ़ाने में इन्होंने मदद किया है मुझे और बाकी मेरे परिवार एंड पूरे समाज को मुझे पढ़ाने में कोशिश किया। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं तमाम आने विद्यार्थियों को जो प्रतियोगिता के दौर में लगे हुए हैं, आज हमें ही नहीं पूरे दुनारावासी, प्रखंडवासी, पूरे जिला को इस बात का गौरव और अभिमान है कि हमारे यहाँ से दो बच्चे जो है अच्छी प्रतियोगिता में अपने नाम को उजागर किए। ये हैं इंद्रजीत बाबू, जिनके पिताजी एक छोटे व्यवसाय से इन बच्चों को शुरू से ही एक प्राइवेट स्थान पर पढ़ाने का काम किए, और साथ ही साथ मंजीत कुमार गुप्ता जो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में रहे हैं। ये लोग प्रतियोगिता के दौर के समझते हुए हमेशा अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इसमें समाज के साथ साथ अनुशासन और शिक्षा को भी इन्होंने भलीभांति निभाने का काम किए। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय गुरु बलदेव उच्च विद्यालय के सर राजनाथ जी जो बच्चों से काफ़ी जो लगाव रखा करते हैं, ये हमेशा जो है बच्चों को प्रतियोगिता के लिए एनटीएससी का चाहे फॉर्म अप्लाई करना हो तो या किसी प्रतियोगिता की बात कहनी हो तो वे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित किया करते। साथ ही हमारे बीच डॉक्टर राकेश जी हैं जो उषा क्लिनिक के यानी ये चलाते हैं। सर एक सामाजिक मतलब कि रंगमंच को भी यानी उद्घोषक हैं। इनका समाज के साथ साथ बच्चों के बीच भी हमेशा लगाव रहा करता है। ये अच्छे अच्छे अवसरों पर बच्चों के बीच बच्चों के प्रतियोगिता में भाग लिया करते हैं। साथ ही हमारे सहयोगी, हमारे मित्र सत्येंद्र सर, डायरेक्टर
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कोचस से आए हैं, इनके बच्चे भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी हुए हैं। मैं वैसे सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा और साथ ही साथ इन बच्चों को, साथ ही इनके परिवार को मैं नमन करना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ये अपने यानी मनोकामना को इसी तरह से यानी अचीवमेंट करते रहें और साथ ही साथ समाज के आने वाले पीढ़ियों को ये उजागर होने के लिए हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं